गुड मॉर्निंग क्लास नर्सरी बच्चों, सब्जेक्ट है आपका मैथ। तो चलिए आप भी अपनी मैथ बुक ओपन कर लीजिए और इसमें देखिए आज ओपन करेंगे आप पेज नंबर 30। और देखिए बच्चों, पेज नंबर 30 में आपको कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है? यहाँ पे है नंबर 1111। इससे पहले आपने पढ़ा 1010। आज आप अपनी बुक में नंबर 1111 लिखने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर देख लीजिए बच्चों, साथ ही साथ नंबर 11 की स्पेलिंग भी दी गई है, ELEVEN 11। और अभी आप 1 to 10 आपको स्पेलिंग्स भी सिखाई जाएंगी। तो अभी देख लीजिए आप पेज नंबर 30 में, यहाँ पर आपको देखो ये क्या दिखाई दे रही है, कैंडल्स। और इन्हें हम काउंट करेंगे, आप भी अपनी बुक में इन कैंडल्स को काउंट करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11। तो यहाँ पे हैं बच्चों 11 कैंडल्स। आप भी इस तरह इन कैंडल्स को काउंट कीजिए धीरे धीरे, आराम से एक एक करके। आपको जो भी पिक्चर्स हैं उन्हें, आप ऑब्जेक्ट हैं उन्हें आपने काउंट करना है। अब देख लीजिए बच्चों, यहाँ पे लिखा है नंबर 11, ट्रेस एंड राइट द नंबर 11। तो चलिए आप भी मेरे साथ साथ नंबर 11 लिखने की कोशिश कीजिए। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आप यहाँ पे डॉट्स के ऊपर लाइन ट्रेस कर लीजिए, लाइन खींच लीजिए। तो देखो यहाँ पे हम सबसे पहले इन डॉट्स के ऊपर नंबर 11 लिखेंगे इस तरह से। ये देखो स्टैंडिंग लाइन की हेल्प से 1 1 11, फिर 1 1 11, 1 1 11। इस तरह से आपने नंबर 11 लिखना है, 1 1 11, 1 1 11। ये इस तरह से आपने इन डॉट्स के ऊपर नंबर 11 लिखना है। और फिर देख लीजिए बच्चों, जहाँ पर डॉट्स नहीं है वहाँ पे आप किस तरह से लिखेंगे, वहाँ पर आप जो ये आपकी रेड स्लीपिंग लाइन है, फर्स्ट रेड स्लीपिंग लाइन में एक डॉट करेंगे और सेकंड स्लीपिंग लाइन में एक डॉट करेंगे और इन डॉट को स्टैंडिंग लाइन की हेल्प से ये देखो मिला देंगे। ये बन गया आपका नंबर 1। और आपको बताया गया 1 1 11। तो इस तरह से आपको नंबर 11 लिखने की कोशिश करनी है, 1 1 11। तो ये है आपकी स्टैंडिंग लाइन। और इस तरह से आपने लाइन खींचते हुए नंबर 11 लिखने की कोशिश करनी है, 1 1 11 1 1 11। और इस तरह से बच्चों आपने इन नंबर्स को पूरे पेज में लिखने का प्रयास करना है। तो आज आप बच्चों पेज नंबर 30 में नंबर 11 लिखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आप अपनी मैथ बुक में लिख लीजिए नंबर 11। थैंक यू बच्चों।